छिंदवाड़ा में लगातार कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच जिला कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी धनबल और डर दिखाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में सदस्यता दिला रही है। राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, वरिष्ठ नेता गंगा प्रसाद तिवारी और गोविंद राय ने कहा है कि भाजपा अपनी खसकती जमीन को बचाने के लिए झटपटा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा अपनी डगमगाती स्थिति को संभालने के लिए अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर निर्भर हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा धनबल और दबाव के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कर रही है। अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि भाजपा भ्रम फैलाने की कोशिश भी कर रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीट जीती थी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में जाने के बाद भी कह रहे हैं कि दबाव के कारण वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक प्रतिनिधि दीपक सक्सेना ने भी अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और आप देख रहे हैं कि भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो आपको देखने को मिल रहा है। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत रहेगी और कांग्रेस हमेशा मतदाताओं पर विश्वास करती है, कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो तारीख है, आज की तारीख आप भी नोट कर लीजिए और जिस दिन मतदान होगा उस दिन भी आप वहाँ फिर मिलेंगे और काउंटिंग के दिन फिर मिलेंगे, हम डंके के चोट पर चुनाव जीतेंगे। आप जानते हो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पिछले विधानसभा में बहुत आए, केंद्रीय स्तर के बहुत मंत्री आए, अभी राज्य स्तर के बहुत सारे मंत्री आए हैं और आते रहेंगे। लेकिन सफलता अंत में हमको इसलिए मिलती है कि हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है। कहीं कोई हमारा अधिकृत कार्यकर्ता, कहीं कोई हमारा जिम्मेदार साथी जो मान लो गए भी हैं तो वो दबाव में गए हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति में नहीं गए। मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, ज्वाइन करने वाले हैं, कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। आगे कांग्रेस की कार्यकर्ता ना जाए उसके लिए क्या जारी किया जा रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो नहीं जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर खराब हो गया वास्तव में, इसलिए दौरा निरस्त हुआ है। कल भी जो कार्यक्रम एक बार आया था कि मौसम खराब के कारण नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाद में मौसम ठीक हुआ, हेलीकॉप्टर गया। आज हेलीकॉप्टर खराब ही आ गया, कल का आज तो हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी है इसलिए नहीं गया।